उमराव टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया काउंसिल सेंट्रल ऑफ ट्रेड यूनियन और भाकपा माले के संयुक्त आह्वान के तहत आज दूसरे दिन भी एक्टू के जिला संयोजक सह भाकपा माले के जिला नेता कामरेड रविंद्र कुमार रवि प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित वापसी के सवाल पर जगजीवन नगर बेतिया में भूख हड़ताल पर रहे। भाकपा माले नेता कामरेड रविंद्र कुमार रवि ने कहा कि नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी जी अपने मन की बात करते हैं लेकिन बिहारी मजदूरों की दिल की बात सुनने से नफरत करते हैं। माले नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री की थाली ताली और अंधेरा भगाने के लिए गरीबों से दीपक जलवाया गया, जिसमें बेतिया के गरीब गुरु वो लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, परंतु बेतिया के गरीब मजदूरों के प्रति न ही बिहार सरकार और न ही केंद्र सरकार भी उनके हालातों पर नजरअंदाज करती दिख रही है। रवि ने कहा कि आपूर्ति शाखा के पत्रांक 278 दिनांक 5 अप्रैल 2020 से प्राप्त अनुमंडल कार्यालय के निर्देश अनुसार वैसे व्यक्ति जो राशन कार्ड लेने की पात्रता रखते हैं लेकिन RTPS पर आवेदन नहीं कर पाए हैं, क्या सर्वे कराकर उनका आधार संख्या एवं बैंक खाता संख्या की सूची तैयार किया जाए। उक्त निर्देशों के आलोक में वार्ड नंबर 27 के माननीय पार्षद रीता रवि की ओर से लगभग 424 व्यक्तियों की सूची नगर परिषद बेतिया को सौंपी गई है जो अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। भाकपा माले नेता रविंद्र कुमार रवि ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा जल्द से जल्द राशन कार्ड और बिना राशन कार्ड वाले चिन्हित परिवारों को 3 महीने का राशन और उनके खाते में 1,000 रुपए शीघ्र भेजें। साथ ही माले नेता रविंद्र कुमार रवि ने अपने 2 दिवसीय भूख हड़ताल को तोड़ते हुए बिहार व केंद्र सरकार से ये मांग किया कि प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके घर वापसी करने की गारंटी करें तथा उन्हें 3 महीने का राशन और प्रत्येक कामगारों को 10,000 रुपया गुजारा भत्ता दें। अभी तक अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर 424 बिना राशन कार्ड धारी हैं, उन लोगों का फॉर्म सूची तैयार कर नगर परिषद में दिया गया है जो अभी तक वह ठंडे बस्ते में पड़ा है। हम इस भूख हड़ताल के माध्यम से मांग करते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है कि वह वार्ड नंबर 27 जो सबसे पिछड़ा इलाका इस बेतिया का है और पूरे बेतिया को साफ करने में जगजीवन नगर मल्लिक बस्ती नौरंगाबाद पासीखाना की एक अहम भूमिका होती है, जहां पर आज भी सैकड़ों के तादाद में लोगों के पास में कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। जो 424 आदमी के राशन कार्ड की सूची दी गई है, इस सूची पर अमल करते हुए शीघ्र जगजीवन नगर वार्ड नंबर 27 मलिक बस्ती पासीखाना और नौरंगाबाद के तमाम गरीब लोगों को 3 महीना का राशन और 1,000 रुपया के हिसाब से सरकार जल्द से जल्द दे, मैं यही गुंजाइश करूंगा।